प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग रोमन न्यूमरल्स और बाइनरी नंबर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बाइनरी नंबर्स पे। तो मेरी बात बहुत ध्यान से आप समझिएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए ये 59 लिखा गया, क्या लिखा गया 59, और इसे रोमन में लिखना है। क्या करना है? रोमन में लिखना है। तो 59 को रोमन में हम कैसे लिखेंगे? तो आपने देखा होगा कि इसे रोमन में कुछ इस तरह लिखा जाता है, L I और X, यही लिखा जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये कैसे लिखा जाता है, इसका लॉजिक क्या है, इसके पैटर्न क्या है। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे मान ली कोई नंबर एक और मैं देखता हूँ, जैसे मान ली 23 है, तो 23 को आप क्या लिखते हो? कुछ ऐसे लिखते हो, एक्स एक्स आई 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 लिखते हो। तो ये क्या है? रोमन है। ये क्या है? रोमन न्यूमरल्स है। अब इनका क्या पैटर्न है, कैसे लिखा जाता है, तो हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। अब देखिए, अगर रोमन न्यूमरल्स में मैं सिंबल की बात करूं, किसकी बात करूं? सिंबल की। तो कुल मिला के टोटल 7 सिंबल होते हैं, 7 सिंबल होते हैं। कौन कौन से? आई होता है, वी होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है, डी होता है और एम होता है। कुल मिला के कितने सिंबल होते हैं? 7 सिंबल होते हैं, आई वी एक्स एल सी डी एम। बातें क्लियर? अब इनकी वैल्यू भी होती है। अब आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। वी की वैल्यू कितनी है? 5 है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 है। एल की वैल्यू कितनी है? डी है। 100 की वैल्यू कितनी है? सी है। डी की वैल्यू कितनी है? 5 है। और एम की वैल्यू कितनी है? 1000। अब इन्हीं सिंबल की मदद से हम जो भी नंबर बनाते हैं, इन्हीं सिंबल का यूज करते हैं। एक बात और, रोमन में 0 का कोई सिंबल नहीं होता। रोमन में 0 का कोई सिंबल नहीं होता। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए, इसके पैटर्न की बात करें स्टार्ट, तो पहली सबसे पहली बात करा, ओनली सिंबल आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। मतलब आप नंबर बनाते समय अगर आपको सिंबल रिपीट करने की जरूरत पड़े तो उसमें आप केवल और केवल आई का, एक्स का, सी का, एम के सिंबल को आप क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। मतलब 7 में से केवल 4 को ही क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। दूसरी बात करा, ये सिंबल कैन बी रिपीटेड ऑलमोस्ट 3 times। बेटा कोई भी सिंबल अगर रिपीट भी करोगे तो मैक्सिमम 3 times, 3 times से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते। बातें क्लियर? आगे चलो। अगली बात क्या कर रहा है कि सिंबल्स वी एल डी आर नेवर रिपीटेड। मतलब ये जो 3 सिंबल हैं वी एल डी, मतलब 5 का, 50 का और 500 का, ये 3 सिंबल को हम कभी रिपीट नहीं कर सकते। ये बेसिक बातें हैं। बातें क्लियर है? अब इनका यूज कैसे किया जाता है, इनको हम लिखने में यूज कैसे करेंगे, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए पहली कंडीशन इसमें क्या है, रूल फर्स्ट करा, इफ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम एज इट ऑकर्स। मतलब कहने का ये कि अगर कोई सिंबल जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार उसकी वैल्यू उसमें क्या होगी? ऐड हो जाएगी। उसमें क्या होगी? ऐड। अब देखिए कैसे,
अब जैसे मैं कहूँ आई है ना, आई को आप क्या लिखते हो, वन लिखते हो। अगर आई टू टाइम्स आ जाए, दो बार आ जाए, तो आप इसे क्या लिखोगे, टू लिखोगे। अगर आई थ्री टाइम्स आ जाए, तीन बार, तो आप इसे क्या लिखोगे, थ्री। देखो वैल्यू ऐड हो रही नहीं। अब देखो आई यहाँ पे सिंगल था तो आपने वन लिखा, आई डबल हुआ तो आपने टू लिखा, आई तीन बार हुआ तो आपने तीन लिखा। बातें क्लियर। इसी तरह मैं कहूं जैसे एक्स है, एक्स अगर एक बार होगा तो टेन की वैल्यू देगा, अगर एक्स टू बार होगा तो ट्वेंटी की वैल्यू देगा, अगर एक्स थ्री बार होगा तो थर्टी की वैल्यू देगा। बातें क्लियर। आगे चलते हैं। इसी तरह मैं कहूं सी है, एक बार लिखोगे तो 100 की वैल्यू देगा, अगर आप सी दो बार लिखोगे तो 200 की वैल्यू देगा, अगर सी तीन बार लिखोगे तो 300 की वैल्यू देगा। कितने के लिए? 300 की देगा। क्लियर। अब इसी तरह मैं कहूं आपसे यम है, आप वन बार लिखोगे तो 1000 होगा, यम टू बार लिखोगे आप तो 2000 होगा, और यम थ्री बार लिखोगे तो 3000 होगा। बातें क्लियर। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो सिंबल जितनी बार आ रहा है उसकी वैल्यू उतनी बार क्या हो रही है, ऐड हो रही है। अब आप देखिए आई एक्स सी यम, चार ही सिंबल को आप क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तीन तो आप कर नहीं सकते। कौन कौन से? वी एल और डी। बातें क्लियर है। ये इसकी पहली कंडीशन थी। अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, करा इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन टू राइट आप ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, देन इट वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। अब इस बात को समझिएगा कैसे। इसके कहने का सेंस यह है कि अगर कोई छोटी वैल्यू वाला सिंबल अगर बड़ी वैल्यू वाले सिंबल के राइट साइड में लिखा जाता तो वैल्यू आपस में ऐड हो जाती है। वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब समझिए कैसे। जैसे मैं कहूं यहां पे आपके सामने मैं V लिख दिया और I लिख दिया। अब यहां पे देखिए V की वैल्यू कितनी होती है, 5, और I की वैल्यू कितनी होती है, 1। आप इसे 6 लिखते हो। अब इसी तरह मैं कहूं मान लो ये X है और यहां पे हमने ऐसे कुछ लिख दिया तो X की वैल्यू कितनी है, 10, और डबल आई की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो आप क्या लिखते हो, 12 लिखते हो। अब जैसे मैं कहूं यहां मान लो वी है, सॉरी यहां पे एल है, एक्स है, वी है, आई। अब इसे देखना, एल को आप क्या लिखते हो, 50, एक्स को क्या लिखते हो, 10, वी को कितना लिखते हो, 5, और आई को क्या लिखते हो, 1। अब यहां पे देखो ये आपने लिखा 66। बातें क्लियर है। इसी तरह कोई भी आप नंबर ले, जैसे हमने कहा सी है, एल है, एक्स है, ऐसे कुछ। अब यहां पे देखो सी को आप क्या लिखोगे, 100, एल को क्या लिखोगे, 50, डबल एक्स को क्या लिखोगे, 20, वी को कितना लिखोगे, 5, और तीन बार आई है तो इसे क्या लिखोगे, 3। अब यहाँ पे देखो आपने लिखा 178, क्या लिखा, 178। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ वी है, वी की वैल्यू 5, आई उससे छोटा है तो राइट साइड ऐड हो गया। यहाँ पे देखो एक्स 10 है, डबल आई उससे छोटा है तो देखो दोनों ऐड हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये भी ऐड है तो ये वाला भी ऐड है। तो इसके कहने का सेंस ये कि अगर कोई वैल्यू
जो छोटी हो बड़ी के राइट साइड लिखी जाएगी तो वह आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा रूल इसका क्या है, कह रहा कि इफ ए सिंबल स्मॉलर वैल्यू इज रिटन लेफ्ट, इसे पहले राइट था अब बात होगी लेफ्ट की, ऑन लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन इट वैल्यू गेट सब्ट्रैक्टेड टू द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। ठीक, अब देखो कैसे, अब अगर कोई वैल्यू बड़े वैल्यू से लेफ्ट में लिखी जाए वह उससे क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, उससे क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। अब कैसे, मेरी बात समझना, जैसे आप यहां पे x और i लिख देते हो तो अब यहां पे ध्यान से x की वैल्यू कितनी है 10 और i कितना होगा 1, आप इसको माइनस करते हो क्या लिखते हो 9 लिखते हो, 9 का सिंबल तो कुछ ऐसे ही है, 9 का सिंबल कुछ ऐसे ही है। अब जैसे मैं कहूँ आपसे कि मान लो ये x है और l है, आप लिखते हो तो l 50 होता और x 10 होता मिलके कितना बना देता है, तो आपका वो 40 आप ऐसे ही लिखते हो। बातें क्लियर है? लेकिन इसके बाद भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी, अब वो बातें ध्यान क्या रखनी अब समझिएगा। अब कह रहा है कि अब जैसे सब्ट्रैक्ट, लेकिन उसमें v l और d नेवर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, अब इस पे बातें करते हैं। देखिए कर i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v और x, i को आप केवल v और x से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, i को आप केवल v और x से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब देखना कैसे, जैसे अब यहां पे देखो आपने x में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9 लिखा था, किया था i, 1 की वैल्यू 1 का सिंबल क्या था, i होता। इसी तरह अगर आपको 4 लिखना तो आप ऐसे लिखते हो, देखो v में से 1 को i को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 5-1 क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। दूसरी बात कर रहा है x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l और c, मतलब x केवल l और c से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब देखो यहाँ पे आपने l लिया था, l में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो आपने 40 लिखा था, लिखा था l की वैल्यू कितनी 50 होती है, x की वैल्यू कितनी 10 होती है। इसी तरह मैं जैसे हमें 90 लिखना हो, क्या लिखना हो 90, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे c और यहाँ पे x। क्लियर बातें? आगे चलते हैं। अब कह रहा सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली, सी केवल अपने से बड़ा डी और एम से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे अब डी हमें 400 लिखना हो, क्या लिखना हो 400, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 500 की वैल्यू कितनी होती है, डी होती है और इसमें से सी माइनस कर देंगे, सी माइनस कर देंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं कहूँ 1900 लिखना, मैं क्या 900, तो आप लिखोगे सी और ई। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब ये कह रहा है कि आई को आप v और x से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप बात नोटिस कर रहे हो तो आप देखिए i v और x, मतलब हमें जैसे कहीं 4 लिखना हो 9 लिखना हो तो इसके लिए हमें क्या 4 लिखने के लिए v में से i को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और 9 लिखने के लिए x में से i को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह कह रहा है कि x को l से सब्ट्रैक्ट तो 40 लिखने के लिए, अब जैसे 90 कहीं लिखना हो तो हमें c में से
एक्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमें 400 लिखना तो डी में से सी को सब्ट्रैक्ट करना, अगर 900 लिखना हो तो हमें एम में से सी को सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ तक बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अब फोर्थ रूल इसका क्या कह रहा है, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन बिटवीन टू सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन इट वैल्यू इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू विच कम इमीडिएटली आफ्टर द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू। अब मेरी बात ध्यान समझना, देखना। जैसे मैं आपसे कहूं, अगर मान लीजिए एक्स आई और वी लिखा, एक्स की वैल्यू कितनी है, आप एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, 10 लिखोगे। अब यहां पे आई और वी है, इससे पहले वाले में यही कहा गया था कि अगर कोई छोटी सिंबल, कोई छोटा सिंबल अगर बड़े सिंबल से लेफ्ट लिखा जाता तो वैल्यू जाता। अब देखो ये इससे लेफ्ट है कि नहीं है, आई वी से लेफ्ट है, तो मतलब 5-1। अब इसे आप लिखोगे कितना, 40 लिखोगे। अब जैसे मैं कहूं आपसे ऐसे कुछ लिखा, तो आप इसे क्या लिखोगे, 20+10-1। अब यहां से 9, 20, ठीक। अब मैं आपसे कहूं कि जैसे ये लिखा, एल की वैल्यू कितनी थी, 50, सॉरी ये 5 होगा, 5-1, तो ये कितना, 54 हो गया। बातें क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अब देखिए रूल 5 क्या कर रहा है, कह रहा है इफ ए बार इज प्लेस्ड ओवर ए सिंबल देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब मेरी बात समझना, जैसे मैं सिंबल जैसे y लिख दिया, x लिख दिया, l लिख दिया, c लिख दिया, अगर इनके ऊपर मैं बार लगा दूं तो इसकी वैल्यू कितना, 5, मतलब 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना लेंगे, 5000 या फिर 5000। अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूं तो यहां से क्या आ जाएगा, 10 × 1000, टोटल 10000, 10000। इनके ऊपर बार लगा दूं तो आप इसको क्या लोगे, 50 × 1000, 50000 हो गया। अब अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूं तो 100 × 1000 कितना हो जाएगा, ठीक है, बातें क्लियर है ना। तो अगर किसी सिंबल के ऊपर बार लग गया तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बातें क्लियर। ये थे सब इनके, मतलब हमें नंबर यूज कैसे करने हैं, क्या मतलब उनको कैस किस ऑर्डर में लिख रखना है, कब वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, कब वैल्यू ऐड होगी, अगर उसके ऊपर बार लग जाए तब वैल्यू क्या होगी, इस सब बातों को आपसे अब तक हमने डिस्कस किया। अब इसे अप्लाई कैसे करें, अब मेरी बात ध्यान समझें। जैसे आपसे कोई पूछे, मेरी बात समझना, जैसे आपसे कह दे कोई कि 89 है, इसका रोमन क्या होगा, 89। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो 89 को आप क्या ले सकते हो, 50+30+9 लिख सकते हो।
अगर ये बातें आप लिख सकते हो तो 50 की वैल्यू कितना होती है एल, 30 की वैल्यू कितना होती है 3 बार x, और 9 की वैल्यू कितनी होती है i और y। अब सबको मिला के आप क्या लिखोगे एल एक्स 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 आई हो गया क्लियर। अब जैसे मैं कहूं, मेरी बात ध्यान सुनो, जैसे आपसे मैं कहूं मान लो 99 लिखना हो तो आप क्या करोगे, तो 99 को आप कभी गलती मत करेंगे 100 माइनस 1 99, यहां ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा, इसको क्या मैं 100 माइनस 90 नहीं सॉरी 100 माइनस 10 प्लस 9 लिखूं। आप 100 को क्या लिखते हो सी लिखते हो 100, अब जो उसमें से अगर 10 माइनस करना है तो जो नंबर माइनस करना उसके सिंबल क्या लेफ्ट साइड बड़े के लेफ्ट साइड, तो आप यहां पे एक्स 90 हो गया ये। अब 9 को आप क्या लिखते हो आई एक्स, तो 99 आप ऐसे लिखेंगे क्लियर। अब जब मैं आपसे पूछूं 235 आपको लिखना, क्या लिखना 235, तो आप इसे लिखोगे 230 प्लस 5 लिखो। अब 200 दो बार सी, 30 को 3 बार x और 5 को v, आप इसे लिखोगे सी सी एक्स 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 और क्लियर। अब इसी तरह मैं आपसे पूछूं 863 लिखना, तो आप क्या लिखोगे, आप इसे क्या लिखोगे 500 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 3। अब 500 को आप क्या लिखते हो डी, 300 को क्या लिखोगे सी सी सी, 50 को क्या लिखोगे एल, 10 को क्या लिखोगे एक्स और 3 बार y। बातें क्लियर। अब जैसे मैं कहूं आपको 1240 लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, तो क्या इसे 1000 प्लस 200 और प्लस 40 लिख दे। अब यहाँ पे 1000 को आप 1000 को क्या लिखोगे यम, 200 को क्या लिखोगे सी सी और 40 को क्या लिखोगे एक्स। बातें क्लियर है ना, तो इस तरह हम रोमन को न्यूमरल, इस तरह हम डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे, रोमन में कन्वर्ट करेंगे। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, आगे चलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बाइनरी का, किसकी बात करेंगे बाइनरी नंबर। अब आपसे कोई पूछे कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, तो बेटा बाइनरी नंबर्स भी नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है। हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वह कौन सा होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, डेसिमल। अब मेरी बात ध्यान समझना, हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट होती हैं, तो आप कहेंगे 10,
जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, हो गया। अब अगर मैं बाइनरी की बात करूं, तो बाइनरी में केवल दो डिजिट जीरो हुआ, हो गया। अब हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट और बाइनरी में 2 डिजिट। अब यहां पे जो प्लेस वैल्यू चलती है, कि कौन सी वैल्यू प्लेस वैल्यू, वह बेटा हमेशा 10 की पावर में चलती है। किसमें चलती है? 10 के पावर में चलती। अब यहाँ पे पावर 1 भी, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, माइनस में भी कुछ भी हो। और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू बेटा 2 के पावर में चलती। अब पावर यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी, माइनस में भी हो सकता है। बातें क्लियर है? अब हमें यहां सीखना है कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मैं कोई नंबर आपके सामने लिख दूं, जैसे मैंने नंबर लिख दिया 41, अब इसे डेसिमल में हमने लिखा, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्या करना? बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब कैसे कन्वर्ट होगा? तो अगर किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बेटा हमेशा और हमेशा 2 से डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? 2 से डिवाइड किया जाता है। अब देखो कैसे। अब जैसे मैं 2 से यहां डिवाइड करूंगा, तो जो कोशेंट आएगा, मतलब जो भागफल आएगा, वह यहां लिखा जाएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वह यहां लिखा जाएगा। अब इसे 2 से डिवाइड करें, तो यह आएगा 20, हमारा कोशेंट आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक। अब फिर 2 से डिवाइड करें, तो 10 हमारा कोशेंट आएगा और 0 रिमाइंडर आएगा। फिर 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ 5 हमारा क्या आएगा? कोशेंट आएगा और 0 रिमाइंडर आएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर हम 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0, हो गया। हम तब तक डिवाइड करते हैं कि जब तक हमारा कोशेंट 1 ना आ जाए। हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारा कोशेंट क्या? 1 ना आ जाए। फिर जब कोशेंट हमें मिल जाता है, तो हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ, कहां से? नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो अगर 41 को हमें बाइनरी के फॉर्म में लिखना होगा, तो 1 0 1 00 1, ये बनेगा। इसी तरह मैं कोई नंबर ले लूं, जैसे हमने ले लिया 35 ले लिया। अब इसे बाइनरी में लिखना, तो आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ कितना आएगा? 17, यहाँ पे रिमाइंडर 1। 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 8 रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर 0। और बेटा फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर 0। अब अगर हमें 35 को लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे? हमें कहाँ नीचे से ऊपर जाना है, तो हम लिखेंगे 1 0 0 0 1, हो गया। तो अगर 41 की बात करें, तो अगर बाइनरी में इसकी वैल्यू 1 0 1 0 0 1, और 35 की वैल्यू की बात करें, तो 1 0 0 0 1। बातें क्लियर है? अब ये तो हमारे इंटीजर है, लेकिन अगर कोई डेसिमल वैल्यू दे रखी है, तो हम कैसे करेंगे उसे? हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें? अब मेरी बात ध्यान से आप समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान ले 35.25 दे रखा,
ऐसे दे रखा। तो क्या मैं 35 प्लस 0.25 लिख सकता हूं क्या? तो आप कहेंगे एकदम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अगर अभी जस्ट पहले मैंने 35 का बाइनरी क्या निकाला था, 35 की बाइनरी हमने क्या निकाला था, 1000 1 1 000 1 1, ठीक। अब हमें 0.25 की, 0.25 की क्या निकाली, बाइनरी निकाली। तो बेटा हम इस इंटीजर में अब तक बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अगर डेसिमल में कोई नंबर है इसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक हमें 1 ना मिल जाए। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें 0.25 इंटू 2 करना, तो आपको कितना मिलेगा, 0.50। अब यहाँ से हम लेंगे 0, पॉइंट के इधर वाला पार्ट हम लेंगे क्या, 0। अब हमें मिला 50.50, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जो 100। अब हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब इसे हम नीचे से ऊपर लिख रहे थे ना, बट इसे हमें ऊपर से नीचे लिखना है, तो आप इसे लिख सकते हो 0.01। अब टोटल अगर मैं बात करूं तो अगर हमें 35.25 की बाइनरी लिखनी तो हम यही लिखेंगे, ठीक। अब जैसे मैं कहूं आपसे, मान लो 46.75 की हमें बाइनरी निकालनी, तब हम कैसे निकालेंगे, मेरी बात ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम 46 की बाइनरी निकालेंगे, किसकी बाइनरी निकालेंगे, 46 की। अब इसे 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर कितना है, 0। फिर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ आएगा 11, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ 5 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 2 और रिमाइंडर 1। और फिर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 और 0। अब 46 की बाइनरी हमें क्या मिल गई, 1 0 1 1 1 0 मिल गई। अब हमें किसकी चाहिए, 0.75 की। तो बेटा 0.75 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे, 1.50। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें लेना 1, पॉइंट के इधर वाला हमें इंटीजर पार्ट लेना, फिर हमें क्या 0.50 × 2, यहाँ से क्या 100, यहाँ से 1। मतलब हमें 0.75 कितनी मिली। अब यहाँ ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा 1 और 1, तो यहाँ 0.1 और 1। बातें क्लियर है। ये तो रही कि हम डेसिमल से बाइनरी में गए, लेकिन बाइनरी से डेसिमल में अगर हमें आना होगा तब हम क्या करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में हमें आना होगा तब क्या करेंगे। अब मेरी बात समझना ध्यान से, अब देखिए, अब जब मैं कहूं आपसे ये 46 है ना, 46 की बाइनरी आपने क्या लिखा था, 1 0 1 1 1 0, यही था। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किस में करना है, डेसिमल। अब कैसे कन्वर्ट होगा, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि 2 की पावर से क्या करेंगे, 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 2 की पावर से मल्टीप्लाई। अब देखिए कैसे, यहां पे इनटू
टू की पावर जीरो इंटू टू की पावर वन इंटू टू की पावर टू इंटू टू की पावर थ्री इंटू टू की पावर फोर और इंटू टू की पावर फाइव हो गया। अब यार टू की पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन। वन में जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वन। टू की पावर वन तो वैल्यू वन, वन में टू को मल्टीप्लाई करेंगे टू। टू की पावर टू वैल्यू फोर, फोर में वन का मल्टीप्लाई करेंगे फोर। टू की पावर थ्री और टू की पावर थ्री की वैल्यू कितनी? एट। एट में वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो एट। टू की पावर फोर का मतलब सिक्सटीन, सिक्सटीन में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। और टू की पावर फाइव का मतलब बत्तीस, बत्तीस में एक का मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी टू। अब हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। ऐड करो, बत्तीस आठ चालीस, चार चौवालीस, दो छियालीस, आ गया। आपने इसी की ये बाइनरी लिखी थी। बातें क्लियर है ना? अब इसी तरह मैं कहूं आपसे कि 0.75 है, इसकी आपने बाइनरी क्या लिखी थी? वन और वन। अब यहां पर टू की पावर से आपने मल्टीप्लाई किया था, बट यहां आपको क्या करना पड़ेगा? टू की पावर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब कैसे? देखिए, अब यहां पे इसको हम यहां पे राइट साइड से चल रहे थे ना, अब इधर लेफ्ट से चलेंगे। इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड टू की पावर माइनस वन और ये हो जाएगा एक मिनट, इसे हम टू की पावर माइनस वन से और इसे डिवाइड करेंगे टू की पावर माइनस टू से। इसे डिवाइड करेंगे हम टू की पावर टू से। इसको ऐसे लिखते हैं, ये वन है और ये वन है, ये नंबर डिवाइड होगा टू की पावर माइनस वन से और ये वाला नंबर डिवाइड होगा टू की पावर माइनस टू से। ठीक। अब टू की पावर माइनस वन की वैल्यू क्या होती है? ये फ्रैक्शन में तो वन बाई टू होता, तो मतलब अगर वन को हम टू से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? टू से। तो आप इसे क्या लिखोगे? पॉइंट फाइव लिखोगे, फाइव जीरो। अगर टू की पावर टू मतलब वन को अगर हम फोर से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? फोर से। तो इसे हम क्या लिखेंगे? पॉइंट टू फाइव। अब इनको आप ऐड करो तो देखो कितना बना है, फाइव और ये सेवन। कितना बना? सेवन। आप देखो इसकी बाइनरी आपने ये लिखा था ना, अब इनको दोनों को ऐड कर दो तो ये फाइनली क्या बन गया? 46.75। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं ये हमें नंबर दे रखा है, तो अगर इसे बाइनरी में कन्वर्ट करें, इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हम क्या करें? 34 है ना। अब 34 को बाइनरी में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 17, यहाँ 0, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 8, यहाँ 1, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 4 0, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 0, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 0। और 6.625 है। अब इसे अगर हमें करना होगा तो क्या करेंगे? अब इसे हमें डेसिमल है ना, अब यहाँ पे हम डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करी किए तो ये आएगा 1.250, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 1। अब यहाँ पे 0.250 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 0.500।
यहाँ से क्या मिलेगा, जीरो। अब हम लिखते हैं इसको 0.500 इंटू टू, यह जो 1.000, यहाँ से आपको मिल गया 1, हो गया। अगर हमें 34.625 अगर बाइनरी में लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, 1000.0 ऊपर से इधर 101, ये लिखा जाएगा। अब इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। अब देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। अगर पहले मैं इन नंबर की बात करूं तो ये नंबर यही है ना, 1000010। अब हमें 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है, तो अब मेरी बात ध्यान समझे, यहाँ पे 2 की पावर 0 और 0 की वैल्यू 1, 1 में 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा प्लस, यहाँ 2 की पावर 1, 1 में तो 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखना 2 की पावर 2 और 2 में मतलब 4, 4 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। यहाँ 2 की पावर 3 और 3 मतलब 8, 8 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा। अब 2 की पावर 4, 4 का मतलब 16, 16 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। और 2 की पावर 5 का मतलब 32 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 32 बन जाएगा। अब सबको ऐड करो, ये 34 बन गया, बन गया नहीं बन गया। अब आते हैं इसमें, अब इसका क्या, 101 हो गया। अब इसे 2 की पावर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 की पावर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखना कैसे, ये 1 है ना, अब 1 में 2 की पावर 1 से डिवाइड करो, ये 0 इसमें 2 की पावर 2 से डिवाइड करो, और ये 1 है फिर इसमें 2 की पावर 3 से डिवाइड करो, करो क्लियर। अब यहां पे देखना, अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब यहां पे 2 की पावर 1 है ना, मतलब 2, 2 में 1 को डिवाइड करोगे कितना, 0.5 आएगा। अब 2 की पावर 0 का मतलब, 2 की पावर 0 का मतलब क्या, 2 की पावर नहीं सॉरी 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 में 0 से 0 को डिवाइड करोगे कितना, 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं। और 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 में 1 को 8 से 1 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.125। अब इसको ऐड करो, 5, 2, 6 आ गया, तो आप इसे 0.625। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।